और लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन कामयाब हुई तो वसी पैमाने पर प्रोडक्शन के जरिए उसकी लागत इंतहाई कम रखी जाएगी। वैक्सीन के जानवरों पर तजुर्बात के मुस्बत नतायज सामने आए हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। जानलेवा कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के कई ममालिक वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ हैं, ताकि इस मौजी वबा से दुनिया को फौरी तौर पर निजात दिलाई जा सके। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहरीन भी इस हवाले से दिन रात काम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड माहरीन की मुजवजा वैक्सीन के न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों पर भी तजुर्बात किए जा रहे हैं, जिनके मुस्बत नतायज सामने आए हैं। कई रजाकारों ने वैक्सीन के तजुर्बात के लिए खुद को भी पेश कर दिया। ऑक्सफोर्ड के जीनर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एड्रियन हिल का कहना है कि वैक्सीन कामयाब हो गई तो उसे वसी पैमाने पर तैयार किया जाएगा, ताकि उसकी कीमत कम से कम रखी जा सके। ये वैक्सीन एक खुराक पर मुश्तमिल होगी और दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर तैयार की जाएगी। And they were convincing that they could provide supply at large scale quickly. लेबोरेटरी में कोरोना की मुतवक्के वैक्सीन के बंदरों पर तजुर्बात जारी हैं। माहरीन दिन रात वैक्सीन को हतमी शक्ल देने के लिए मसरूफ हैं। एड्रियन हिल का कहना है कि ऑक्सफोर्ड की ये वैक्सीन बरतानिया और स्वीडन की मल्टीनेशनल कंपनी के जरिए दुनिया भर में पहुंचाई जाएगी। The ambition is shared to prioritize supply. We're in a fortunate position in that the manufacturing yield worked on heavily in the university appears to be very good indeed. So what that means is firstly you can make more vaccine and secondly you can make it less expensively than many other vaccines. Oxford माहरीन की मुजवजा वैक्सीन का नाम CHADOX1-nCoV-19 रखा गया है, जिसे दुनिया के मुख्तलिफ 7 मकामात पर तैयार किया जाएगा और इस साल सितंबर में इलाज के लिए दस्तियाब होगी।